लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नूरपुर के निर्वाचन कानून को संजय शर्मा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के प्रबंध के बारे में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल वोट 88,154 है, जिसमें से 44,718 पुरुष व 43,436 महिलाएं हैं। नए वोटर 1,716 जो पहली बार अपने मतदान का उपयोग करेंगे, जिसमें से पुरुष 886 व महिलाएं 850 हैं। इसमें 115 बूथ हैं, 10 सेक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं, 11 सुपरवाइजर लगाए गए हैं जो कि निरीक्षण में लगे हैं, 3 फ्लाइंग स्किड टीम व 3 स्टैटिक सर्विलांस टीम कार्यरत हैं, जो जगह जगह नाके लगाकर चुनाव संबंधी जानकारियां देख रहे हैं। इस बार सभी मतदाताओं को इस बार लोकसभा निर्वाचन के विशेष आग्रह हैं, जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग का जो हमारे दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग वोटर हैं, उनके लिए खास सुविधाओं का आयोजन किया गया है। आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था व पानी का प्रबंध हमारे सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर सुपरवाइजर दिव्यांग वोटर को स्पेशल मतदान केंद्र तक लेकर जाएंगे और वापस छोड़ने भी जाएंगे। संजय शर्मा ने कहा कि हमारे जो नए वोटर हैं 18 से 19 वर्ष के, उनको स्पेशल प्रोत्साहन के रूप में हमने एक लॉटरी सिस्टम भी रखा है, जिसमें 18 व 19 वर्ष वाले मतदाता को जागरूकता के अंतर्गत उन सभी को पहली बार वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो व्यक्ति मतदान के लिए किसी को अच्छी तरह बताएगा, उन लोगों को डाक टिकट भी दी गई है और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। इसके आयोजन के साथ साथ नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में डेमोक्रेसी फॉर क्रिकेट का एक मैच हो चुका है, जो हमारे ऑफिसर का वकील के साथ हुआ था, और अभी नए वोटर का आपस में मैच करवाया जाएगा, जो कि आईटीआई नूरपुर में शीघ्र ही करवाया जाएगा। सभी टीम को कहा गया है कि वे सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। हमारी टीम जनता को एबीएम व वीवीपैट की जानकारी भी दी जा रही है। बिलासपुर जिला में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की शामत आ गई है। पुलिस ने बीते मार्च माह के दौरान 282 शराबी चालकों के चालान किए और उनसे रिकॉर्ड 2,41,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने इनमें से 190 आरोपी चालकों को दोषी करार देते हुए एक एक दिन की सजा भी सुनाई। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी संजय कुमार बिलासपुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन एक्ट के तहत 97 शराबी वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब पीकर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने प्रदेश भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हुए हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने भी जिला के सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित बनाने के आदेश दिए हुए हैं। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया तैयार किए हुए हैं। कारण ये है कि नशे की हालत में वाहन चलाने से जहां हादसों का भय बना रहता है, वहीं बेकसूर लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे हादसों को रोकने और शराबी चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेशों के बाद बीते मार्च माह में जिला भर में पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग के 282 चालान काटे थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 97 चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के लिए संबंधित लाइसेंस जारीकर्ता अधिकारियों को भेजकर रद्द करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 264 चालानों को निपटारे के लिए विभिन्न अदालतों में भेजा गया था और वहां उनसे 9,41,000 रुपए जुर्माना तो वसूला ही गया, साथ ही शराब पीने के आरोप में 190 चालकों को दोषी करार देते हुए उन्हें एक एक दिन की सजा भी सुनाई गई। जिला बिलासपुर में नशीले पदार्थों से जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने बिलासपुर के समीप नोड़ी में 3 युवकों से हीरोइन की बड़ी खेप बरामद की है, जिसका मूल्य
करीब 6 लाख रुपए है। इन तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर 2 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस प्रवक्ता DSP संजय कुमार ने बताया कि मात्र 1 माह के भीतर पुलिस ने नशीले पदार्थों से जुड़े 39 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों से जुड़े तस्करों की गिरेबान तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अभियान को और भी तीव्र गति प्रदान की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की सुरक्षा शाखा ने NH चंडीगढ़ मनाली सड़क मार्ग पर नोनी के पास 3 व्यक्तियों से 101.72 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने फिलहाल 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की सुरक्षा शाखा की टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा देर रात NH चंडीगढ़ मनाली सड़क मार्ग पर नोनी के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस सुरक्षा शाखा के अधिकारियों ने वहां पर गाड़ी नंबर HP014615 को जांच के लिए रोका तथा कार में सवार 3 व्यक्ति दिलीप कुमार पुत्र रूपलाल निवासी पंजगाई, रामलाल पुत्र कुलदीप कुमार निवासी पंजगाई व चमनलाल पुत्र मेघराज गांव रनो खालसा तहसील अर्की की तलाशी ली तो उनसे तलाशी के दौरान 101.72 ग्राम हेरोइन बरामद किया। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।